तो बिना अध्ययन के ये किया, इसमें डिपार्टमेंट भी दोषी है और जिन्होंने किया वो भी दोषी है कि परंपराओं को और लोकल संस्कृति का अध्ययन करके ही ये चीज़ें करनी चाहिए थी, जो शायद गलती हुई पहले। कि मैं तो बोल दिया कि जिन्होंने नाम चेंज किया है उनको उस एरिए के क्षेत्र का पहले अध्ययन करना चाहिए था। तो बिना अध्ययन के ये किया, इसमें डिपार्टमेंट भी दोषी है और जिन्होंने किया वो भी दोषी है। ठीक है, आज किस तरह का शुभारंभ किया गया है? आज कैंसर यूनिट का यहाँ पे शुभारंभ किया है और मेडो सखी एक कार्यक्रम ये लॉन्च कर रहे हैं, जो गांव के अंदर जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करेंगी। ये आज दो कार्यक्रम यहाँ पे थे उनका हमने किया। आसपास के क्षेत्रों में कितना लाभ पहुंचेगा लोगों को? नहीं, ये तो अभी हमने शुरुआत की है, लाभ तो अभी 6 महीने काम करने दीजिए, फिर आपको संख्या बताएंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक मूर्ति लगाई थी और वो गिर गई, उस पर प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगा, इससे आपका क्या कहना है? जल्दबाजी में कोई काम नहीं होने चाहिए, अब मैं इतना ही कहूंगा। अगर स्टीफन का नाम महाराजा बिजली पासी के नाम पे किया गया है, जी जी, इस पर वहाँ स्थानियों की तरफ से विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, जी जी, इस पे आप इस समय सांसद हैं मिट्टी के, आप क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि परंपराओं को और लोकल संस्कृति का अध्ययन करके ही ये चीज़ें करनी चाहिए थी, जो शायद गलती हुई पहले, क्योंकि निहालगढ़ की एक अपनी समृद्ध हिस्ट्री है तो उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर नाम पासी जी का हुआ तो उनका भी अपना योगदान है, उनके लिए कहीं और जगह भी हो सकती थी, लेकिन निहाल वहाँ के लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है तो उसका ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि जल्दबाजी में ये चीज़ें कर देना तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले किसी भी क्षेत्र का उसकी संस्कृति की महत्वता, धार्मिक महत्वता और लोकल लोगों का सेंटीमेंट, इन सबको करने के बाद ही ये चीज़ें होनी चाहिए थी तो उसका अच्छा असर होता। तो क्योंकि नहीं, लोगों की भावनाओं से छेड़छाड़ करोगे तो उसी क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित होती है। क्योंकि बीरा पासी जी भी हमारे हीरो रहे, यहाँ पे 1857 की क्रांति के ये रहे, रायबरेली से उन्होंने शुरू किया, वहाँ उनके लिए वहाँ गेट भी बने हैं, वहाँ उनके नाम से वो भी बना हुआ है। तो क्या पीछे सोच थी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ समाजों को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम नहीं करते। तो ये चीज़ें पहले क्षेत्र की उनको संस्कृति, उसकी ऐतिहासिकता का संज्ञान लेना चाहिए था, उसके बाद नाम चेंज करते तो अच्छा होता, मेरा यही कहना है। सांसद जी, यहाँ OPD चलती है जो जांचें बाहर 250 रुपए में हुए हैं, वो संजय गांधी में लगभग 350 रुपए की जाती है। आप मेरे को दे दीजिए, मैं मतलब इनसे प्रशासन से बात कर लूंगा।